एपिसोड के शुरू में डॉरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उसॉप उन दोनों को देखकर बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। पीछे से नामी उसॉप से बोलती है कि यही सही टाइम है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसॉप नामी की बात नहीं सुनता और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। नामी ये देखकर उसॉप से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। उसॉप डॉरी और ब्रॉगी को देखकर बोलता है कि ये दोनों बिना किसी रीजन के 100 सालों से लड़ रहे हैं। नामी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं निकलता। उसॉप बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई है। उन दोनों के मन में एक ऐसा फ्लैग है जिसे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मानते हैं और वो नहीं चाहते कि वो हारें और वो फ्लैग नीचे गिरे। इसलिए वो दोनों 100 सालों से लड़ रहे हैं और यही है एक महान लड़ाई दो योद्धाओं के बीच की। नामी ये सुनकर बोलती है कि ये सब तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि मेरा भी यही मकसद है, बहुत अच्छा योद्धा बनने का। मैं भी एक दिन इन्हीं की तरह एक महान योद्धा बनूंगा। नामी ये सुनकर बोलती है कि इसका मतलब तुम भी एक जायंट बनना चाहते हो। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर यहाँ पर मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। मिस्टर फाइव मिस वैलेंटाइन से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें मिस्टर थ्री के प्लान को फॉलो करना है ताकि हम डॉरी और ब्रॉगी को पकड़ सकें। फिर यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ब्रॉगी डॉरी को बताता है कि उसने बहुत दिनों बाद ड्रिंक करी। डॉरी ये सुनकर बोलता है कि क्या तुम मुझे भी वो बियर दे सकते हो। ब्रॉगी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने अभी एक बहुत अजीब सी आवाज सुनी, लगता है कि इस आइलैंड पर कोई लड़ाई चल रही है, पर मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो उस बेवकूफ शांजी को हराना है। यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं एक ऐसा जानवर पकड़ूंगा जो बहुत ज्यादा बड़ा हो और वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो। फिर यहाँ पर डॉरी को दिखाया जाता है जो लूफी और मिस फीवी से बोलता है कि क्या वो लंबी नाक वाला लड़का और वो लड़की तुम्हारे दोस्त हैं। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हाँ वो हमारे दोस्त हैं। डॉरी ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब ये बियर तुम्हारी ही शिप की है। मिस फीवी डॉरी से पूछती है कि लॉग पोस्ट को डायरेक्शन बताने में कितना टाइम लगेगा। डॉरी बोलता है कि कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। जो भी इंसान यहाँ पर आता है वो लॉग पोस्ट की डायरेक्शन बताने से पहले ही मारा जाता है। मिस फीवी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और वो बोलती हैं कि अगर हम 1 साल तक यहाँ पर रहे तो तब तक तो हमारा अल्पस्था खत्म हो जाएगा। लूफी बोलता है कि मैं भी 1 साल नहीं रुक सकता, क्या कोई और तरीका नहीं है। डॉरी बोलता है कि हमारे पास एक इंटरनल पोस्ट है पर वो हमारे घर इल्बाफ में है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हम इल्बाफ नहीं जा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डॉरी लूफी से बोलता है तो फिर तुम हर जगह जाकर देखो, अगर तुम लकी हुए तो तुम अल्बस्ता पहुंच जाओगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा मस्त है और ये कहने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है। मिस वीवी ये देखकर बोलती हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। फिर यहाँ पर ब्रॉगी उसॉप और नामी को दिखाया जाता है। उसॉप ब्रॉगी से बोलता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह महान बनना चाहता हूँ। ब्रॉगी ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें भी एक जांट बनना है। उसॉप बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह ही गर्व से रहना है, इसलिए मैंने एक फैसला करा है कि अब से मैं तुम्हें टीचर बुलाऊंगा। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉरी वो बियर पीता है और तभी वहाँ पर उस बियर में एक धमाका हो जाता है जिससे डॉरी नीचे गिर जाता है। लूफी ये देखकर बोलता है कि ये किसने करा होगा। मिस फीवी बोलती है कि ये शायद उसके दोस्त ब्रॉगी ने करा होगा ताकि वो उसे हरा सके। तभी पीछे से डॉरी बहुत ज्यादा गुस्से में उठता है और वो बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब तुम्ही लोगों ने करा होगा क्योंकि तुम्हारे अलावा इस आइलैंड पर कोई नहीं है। मिस फीवी ये सुनकर लूफी से बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा वरना ये हमें मार डालेगा। लूफी बोलता है कि अगर मैंने ये नहीं करा तो मैं यहाँ से क्यों भागूं, और ये कहने के बाद वो अपनी स्ट्रॉ हैट मिस फीवी को दे देता है और वो बोलता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी शांत करना होगा। डॉरी लूफी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और ये कहने के बाद वो लूफी पर हमला कर देता है। लूफी डॉरी को डॉच करके उस पर एक बहुत तेजी से हमला करता है जिसकी वजह से डॉरी नीचे गिर जाता है। मिस फीवी लूफी से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही करा। लूफी बोलता है कि जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते, और इसके दोस्त ब्रॉगी ने भी ये नहीं करा होगा। मिस फीवी ये सुनकर बोलती है कि तो फिर ये किसने करा होगा। लूफी बोलता है कि इस आइलैंड पर
पर कोई तो है हमारे अलावा। फिर यहाँ पर मिस्टर 8 को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। अभी कुछ देर बाद एक ज्वालामुखी फटेगा और डॉरी और ब्रॉगी के बीच में वापिस से लड़ाई होगी, पर अब की बार डॉरी हार जाएगा और वो 100 मिलियन बेरीज हमारी हो जाएगी। मिस्टर 5 मिस्टर 3 से पूछता है कि हम उन स्ट्रॉ हैट का क्या करें। मिस्टर 3 बोलता है कि उन सबको एक एक करके अपने रास्ते से हटा दो। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज्वालामुखी फट जाता है। मिस वीवी ये देखकर बोलती हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, अगर डॉरी और ब्रॉगी के बीच में लड़ाई हुई तो ब्रॉगी जीत जाएगा। फिर यहाँ पर सोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने अभी तक कोई भी जानवर नहीं पकड़ा है। और ये कहने के बाद उसका पैर एक डायनासोर पर पड़ जाता है जिसकी माँ उसे दूर से देख रही होती है। यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जिसे पीछे से एक टाइगर देख रहा होता है। फिर यहाँ पर ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो उस ज्वालामुखी को देखकर बोलता है कि वापिस से लड़ने का टाइम हो गया। उस ऑफ ब्रॉगी से बोलता है कि अभी तो तुम दोनों बहुत ज्यादा थके हुए हो। ब्रॉगी बोलता है कि हम दोनों की हालत बिल्कुल सेम है, अगर मैं इस लड़ाई से पीछे हटा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पर डॉरी को दिखाया जाता है जो बहुत मुश्किल से वहाँ से उठ जाता है। लूफी बोलता है कि अभी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बेकार है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। डॉरी ये सुनकर बोलता है कि मैं अपने इल्पाफ का नाम खराब नहीं कर सकता, और ये कहने के बाद वो ब्रॉगी से लड़ने के लिए चला जाता है।